देख रहे हो बिट्टी ब्लॉग यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज आ गया हूँ मैं मोमसर गांव के मेले में। मोमसर गांव के मेले में मैं एक जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अभी अजीब तमाशो देखियो है। देखा एक कंप्यूटर शू के एक जिया कप है, टी शर्ट है और भी कई छल्ले वगैरह हैं। उस पर क्या है कि मतलब फोटो वगैरह नाव भी कोई भी प्रकार की फोटो और नाव रखा सकते हैं। ये सामने दिखा रहे हैं बहुत एक बढ़िया एक शानदार आज के युग के अनुसार, क्योंकि आज का युग है वो एक इंटरनेट का ज़माना है, एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो आ गए आज मोमसर के अंदर। तो भाई साहब जी यूँ थोड़ी मैं बातचीत कर सूँ के आइटम है, कते दिनों एक काम करे। आज तो मेला है रामदेव जी का, अन्य टाइम में जब मिले तो भाई साहब से कौन सी जगह से मिल सकते हैं आप ही बात करें श्यापा। अभी थोड़ा इस मेले के अंदर ये दुकान लगी है और भाई साहब जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। सर मैं नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम मिस्टर श्रवण कुमार है। मिस्टर शर्मा कुमार? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी वो धंधो है जो थे सावल मारवाड़ी में बताओ नहीं दिया कते दिन कर रहे हो, किसी जगह पर थानो दिया स्थान आज मेलो तो हेट है। स्थान मोमसर में मेन बाजार में है, एस के प्रिंटर्स नाम से दुकान चल रही है। अच्छा वो कितने दिनों थे काम कर रहे हो? छह महीने से काम कर रहा हूँ। छह महीनों से? जी सर। नया ही सिस्टम अब आये? हाँ ये नए लोग है, नया तो क्या है बहुत पुराना। अच्छा आपने मोमा ग्रामीण क्षेत्र में अभी आया है, मतलब आप फोटो कोई सी भी लगा? हाँ कोई सी भी फोटो, टी शर्ट पर बनानी हो, तकिया कवर मोबाइल कवर टी शर्ट और चाबी की चेन वगैरह क्यूशन वगैरह मतलब। अच्छा चाबी छल्ले पे लगा? हाँ चाबी छल्ले पे खुद की पर्सनल फोटो। हाँ फोटो। हाँ और मतलब ऐसे टेडी बियर वगैरह। अच्छा दिखाओ मतलब इस टाइप है, टेडी बियर पिल्ला है, इसके तकिया पर भी लगा सकते। अच्छा ये जो मारवाड़ी भाषा में तकिया बोल रहे हैं, तकिया पर ये लगाए है वो इंच अनुसार जो भी एक शादी में मेलने के लिए जो भी आइटम होता है उस पर भी लगा सकते हैं। शादी गिफ्ट आइटम में तो बहुत ज्यादा चलता ही है। सर थोड़ा सा कप दिखाना, कप पे जो ये फोटो रखी है। ओहो बड़ा शानदार ये काम है। तो मैं श्रवण कुमार जी ये गारंटेड है ये प्रिंट जाएगी नहीं? ये प्रिंट जाएगी भी नहीं? ये प्रिंट ये कितने रुपए का हो जाता है? ये 350-350 रुपए है। कप तो आपका होगा, कप लाना? कप मेरा ही होगा इसमें। आपका होता है नाम बताया 300 और 350। और बहुत अच्छी सेवा है ये तो। श्रवण कुमार जी नाम बताए? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी इसके प्रिंटर्स नाम से यहाँ मोमसर में मेन मार्केट में मोमसर में दुकान है। पहले आपने इनके ट्रेनिंग दी थी? नहीं ट्रेनिंग नहीं, यूट्यूब से मैंने ट्रेनिंग। अच्छा यूट्यूब से, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है, कुछ भी कर सकते हैं यूट्यूब में कर सकते हैं। मैंने पहले डूंगरेड में दुकान थी और फिर मैंने 4-5 महीने वहाँ काम की, फिर वहाँ यहाँ आ गया मोमसर में, यहाँ खुद की अपने खुद की दुकान है। अच्छा बहुत शानदार काम तो रहे है जो श्रवण कुमार जी मोमसर के रहने वाले हैं। और भी मैं थोड़ा आइए थोड़ा टी शर्टें और दिखा दे आप श्रवण कुमार जी, टी शर्टों के ऊपर जो भी आपने लगाए हैं। ओहो ये बालाजी महाराज की, ये आपने लगाई? ये मैंने खुद ने लगाई है। बड़े शानदार काम है ये, खुद की प्रिंटिंग की। ये श्रवण कुमार जी कितने रुपए में लग जाए? ये 300-400 रुपए में आराम से बिक जाती है। टी शर्ट आप देते होगा? ये टी शर्ट हमारी खुद की रहेगी, आपकी खुद की टी शर्ट है। और इसमें ये मेरी खुद की तस्वीर लगाई हुई है, ये देखो। नाम वगैरह कोई भी लगवा सकते? हाँ कुछ भी डिजाइन, लोगो वगैरह डिजाइन करवाने कुछ भी करवा सकते है। बहुत अच्छे आप काम टोरे है इसी मोमसर के अंदर। अच्छा ये भी आपने? हाँ टेडी बियर भी पिले हैं यहाँ, ये भी प्रिंट होते हैं इसमें सारे। और आपका जब अनुमान क्या है कि आगे इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या आगे? अरे बहुत कुछ है अनुमान बढ़ाने के लिए और कोशिश में जारी है। स्थाई आपका एड्रेस मोमसर है? स्थाई एड्रेस मोमसर ही है मेरा। मोमसर में आपकी दुकान है? 24 मार्केट में ये दुकान है मोमसर में, मेन मार्केट में जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास में। हमारा वीटी ब्लॉग यूट्यूब और फेसबुक चल रहा है, मैं मोमसर में काफी जगह आया हूँ। आपने कभी वीडियो देखा था? नहीं नहीं एक बार मेरे खुद की इंटरव्यू हुई है। अच्छा आपकी? ओ सर धन्यवाद आपको, मैंने तो पता ही नहीं था आज चला है कि भाई साहब वो ऐसा एक काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है, सुनिए युवा पीढ़ी है वो एक पीढ़ी के अनुसार काम करते हैं और हर डिजाइन पे हर घर के जो भी अहो मेरे खुद की प्रिंट की हुई है। ये भी खुद प्रिंट की हुई? हाँ ये खुद की प्रिंट की हुई। इनका खर्चा कितना पड़ जाए? इनका 350-400 रुपए। 350-400 लग, देखने में बहुत अच्छा लगे। ये भी है, ये मैजिक पिला है, आपने बनाई है? हाँ ये बनाया नहीं है, इसमें बनेगा, इसमें अच्छा बनेगा जी का, ये इसमें जादू ही मिला। अच्छा इसमें मिलेगा जादू ही आइटम? जादू ही आइटम। बहुत अच्छे शानदार काम है वो। आप भी अपने हमारे वीडियो देख कर आप इनसे भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। और कोई
छल्ले तैयार किए हुए हैं, छल्लों पे कोई नाम कोई फोटो वगैरह है। ओहो बाबा साहब अम्बेडकर की देखिए। तो सुन कुमार जी, इसमें टाइम कितना लग जाता है? इसमें टाइम 60 सेकंड का टाइम लगता है इसमें, छल्ले में। हाँ, मशीन में ऑन करने के बाद में 60 सेकंड का टाइम लगता है इसमें। यार हमारा भी चैनल बीटी ब्लॉग्स नाम का छल्ला तैयार कर दो। हाँ, मैं अभी छल्ला तैयार कराऊंगा भाई साहब से, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी अब की ही बार। अच्छा, सारा काम कंप्यूटर से ही होता है ना? सारा ये कंप्यूटर से सारा काम होता है। आप अच्छे से अच्छे छल्ले तैयार कर दो, बीटी ब्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पेज ऐसा। तो मैं भी क्योंकि आगे दिखाऊं कि ये मोमासर में ये काम है वो हो रहा है ऐसा जी। आप तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, काम कैसा चल रहा है साहब? ये अच्छा चल रहा है काम, मतलब अपने शहरों के अंदर आपका जो भी नाम पूछेंगे तो हम बताएंगे। तो मतलब ये इसकी जो काम की तकनीकी है वो मतलब अब अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है तकनीकी। अच्छा, बहुत बहुत शानदार ये मशीनें। सर जी, ये मशीनें बता सकते हो कितने एक रुपये की है? ये लगभग इसमें 2.5-3 लाख रुपए खर्चा लग जाता है पूरा। पहले लगभग 3.5-4 लाख रुपए होते हैं तब धंधे स्टार्ट होते हैं। क्यों? बहुत शानदार है। अभी हमारा छल्ला तैयार कर रहे हैं अभी भाई साहब, हमारे छल्ले चैनल के नाम से। आपके चैनल के नाम से मैं छल्ला तैयार कर रहा हूं, वीटी ब्लॉग उसके नाम से अभी एक छल्ला तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इसका प्रचार करेंगे कि आगे ऐसे छल्लों पे या टी शर्टों में कोई भी डिजाइनिंग कराने के लिए भाई साहब से मोमासर आकर। मार्केट के अंदर दुकान है भाई साहब की, श्रवण कुमार जी की, और ये तैयार करा सकते हैं। अभी देखिए चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं भाई साहब, थोड़ा मैं दिखाऊंगा कि कंप्यूटर चलाते हुए कैसे बन रहे हैं वो सारी की सारी। तो सर फोटो ले सकते हो आप? छल्ले के अंदर फोटो भी आ जाएगी क्या? आराम से आ जाएगी। अच्छा, फोटो भी आ जाएगी, फोटो और नाम कोई भी कैसे भी, अगर छल्ले के अंदर हो चाहे कप के अंदर हो। मैं कप भी दिखाया, पहले भी दिखाया था, और भी दिखा दूं। ये कप तैयार किया गया है शादी में, पार्टी में। जब आजकल क्या है कि बहुत ही एक ऐसा लोग है वो कहाँ तक पहुँच गए, हमारे देश है वो एक भारत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक शानदार कप पे ये फोटो करने का कार्य है हमारे। ये पहले हमारे राजस्थान के अंदर बहुत कम थे, बड़ी सिटियों के अंदर थे, लेकिन आज हमारे इसी नज़दीक इसी एरिया में राजस्थान के अंदर आ गए हैं। तो अभी भाई साहब जी श्रवण कुमार जी है वो थोड़ा एक कंप्यूटर में छल्ला तैयार कर रहे हैं। देखेंगे हमारा जो नाम का जो चैनल के नाम के जो छल्ले हैं वो कैसे तैयार होते हैं, और देखने के बाद आप हम वीडियो पे डाल देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। काफ़ी लोग यहाँ पर देख रहे हैं भाई साहब, आपको कैसा लगा ये? अच्छा सिस्टम है वो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा भाई साहब से और वातावरण करेंगे, ये भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये काम है बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हर किसी भाई साहब राम राम। राम राम जी। आप कौन सी जगह के हो? बननाओ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये, बहुत अच्छा है ना। तुम टी शर्ट वगैरह पर ये सारे भी हर कोई किसी। अभी ये काम है वो 2 मिनट में भी ये भाई साहब बोल रहे तैयार हो जाए, ये हो जाएगा। और ये कंप्यूटर रखा हुआ है, ये कंप्यूटर ये कटिंग कर रहे हैं भाई साहब, ये कटिंग करके उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम से ही सारे होते हैं। कंप्यूटर से क्या नहीं होता, कंप्यूटर से अलग लोगों की जैसे अंदर की तस्वीर है वो ले सकते हैं कंप्यूटर। तो ये तो छल्ले और ये आइटम है, ये ऐसे तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आदमी का दिमाग काम करते हैं और आदमी की मतलब एक रुचि होती है, इस रुचि के अनुसार वो श्रवण कुमार जी ये तैयार कर रहे हैं। मैं थोड़ा आज मेले में आया हूँ और मेले में ये मैंने देखा तो मैंने भी बहुत इंटरेस्ट है, ये छल्ले तैयार भाई साहब, ये छल्ले ही हो रहे हैं ना, छल्ले तैयार हो रहे हैं, ये भी छल्ले तैयार हो रहे हैं। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। आपको सर? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मतलब आजकल क्या है शादी पार्टियों में ऐसा चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी तैयार हो रहे हैं छल्ले, तैयार हो रहे हैं, देखिए आप ये देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीटी ब्लॉग्स को शेयर करना, क्योंकि हम लाते हैं अच्छे अच्छे इंसानों से संपर्क करके हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, हमारे राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है इसके विषय में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।